नॉमिनेशन फॉर्म्स को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे दाखिल हो गए, कहते हैं कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ है, इट इज हम आग के दरिया से गुजर रहे हैं, ये क्यामत इसमें। प्लीज माय लॉर्ड, प्लीज आई विल नॉट स्टेप इन, आई विल नॉट परमिट अ मॉकरी टू बी मेड ऑफ दिस कोर्ट। नो, इफ यू वांट टू यूज दिस लैंग्वेज गो आउटसाइड एंड यूज इट। नो नो, बट आई आर अ कोर्ट ऑफ लॉ, वी विल फंक्शन लाइक अ कोर्ट ऑफ लॉ। आप सीडीज देखते हैं दरिया और ये बातें ना करें। नहीं, मैं नहीं ये कह रहा, आप सीडीज देखते हैं, मैं आपको सीडीज दिखाता हूँ कि किस तरह से ये कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें, देख करके आपको बोले ये हुक्म कर दे, हम कर देते हैं। जाहिर है कि आप फिर आप बताएंगे नहीं हमें कुछ, कैंपेन की इजाजत इससे ज्यादा नहीं इंडल्ज कर सकते हैं आपको, कैंपेन की इजाजत नहीं है। हमारे कैंडिडेट्स को आए हुए हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि जी आप अगर बाहर निकले हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, उनको फ्री हैंड है दूसरी साइड को, हमें कोई जो है लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो आप आर यू अ कैंडिडेट योरसेल्फ? यस। यू आर स्टैंडिंग बिफोर अस, सो आपने कहा आपको तो निकलने नहीं दे रहे हैं। मैं तो आपके पास आया हूं। ऐसे तो ना बातें करें ना, इतने ड्रामेटिक में तो मैं नहीं गया। प्लीज प्लीज लेट्स लीव द ड्रामेटिक्स आउट, लेट्स फोकस ऑन फैक्ट्स। You are here, every day somebody comes here, he's a candidate. Which party are you a candidate of? We are not here for campaigning elections. Which party are you a candidate of? I am candidate of the PTI. Pakistan People's Party आपने छोड़ दी है? मुझे नहीं पता है ना, बता दें हमें। जी वो तो काफी हो गई देर, हाँ काफी देर हो गई है उसको। तो फिर आप खड़े हमारे सामने, तो देखिए आप हमें बताएं कि ये गलत फिगर। आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मैं कोई यहाँ कैंपेन करने तो नहीं आया हूँ इलेक्शन में कैंपेन की। माय लॉर्ड हैज रेड आउट फ्रॉम द रिपोर्ट, इफ इट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, I will prove again it. You will not let me speak. जी सर, I don't know how I can conduct this case. आप ही कर लें। मैं I don't know, आप ऑर्डर भी लिखवा दें। मैं इसका अरे प्लीज हमें कुछ सवाल ही नहीं करने देते आप, एकदम रोक देते हैं हमें सवाल करने से। बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं, माय कोलीग ऑन माय लेफ्ट हैज आस्क्ड यू, बट इफ यू डोंट अग्री विद इट गिव इट इन राइटिंग सो वी कैन देन फर्दर आस्क देम। माय लॉर्ड हैज पॉइंटेड आउट यू आर एक्सेप्टिंग द फिगर्स, आइदर यू डिनाइड द फिगर्स कि ये इन्होंने अपने मनगढ़ंत फिगर्स बना लिए हैं, फिर आप बोल रहे हैं सर लीडरशिप इज राइट। आई थिंक गोदा साहब यू नॉट यूज टू being asked a question. सारी जिंदगी क्वेश्चन ही तो आप सुनते हैं और जवाब देते आए, ऐसी बात नहीं है। माय लेडीशिप इज राइट, मैं इसका एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव बिल्कुल डॉक्यूमेंट के साथ सीडीज के साथ इसका जवाब देता हूँ कि दे हैव अगेन ब्लैटेंटली कमिटेड कंट्यूमेशन डिफायंस बाय मेकिंग अ फॉल्स रिपोर्ट बिफोर योर लॉर्डशिप कि कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ है। ये तो कोई इंसिडेंट अलग चीज है, ये जो नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुई ये तो आप एडमिट कर रहे हैं। देखिए नॉमिनेशन जो है ऊपर जुडिशियल ऑफिसर्स हाई कोर्ट, यू वांट इलेक्शन और नॉट इलेक्शन, सिंपल बात बता दें जी सर, आपको इलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? 100% चाहिए ये सेनेट का। अब हाँ देखिए, अब आप इतनी बात लंबी बात, यस वुड सफाइस, यस ऑफ कोर्स, वी वांट दिस फॉर आप जिस तरह आपने एंश्योर, आप जरा सवाल अब सिंपल यस नो के यू कैन से यस ऑफ कोर्स, व्हाट आर वी डूइंग, हम ये कोर्ट आपके लिए नोटिस कर रहे हैं ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस, हार्डली फ्यू डेज दे प्रोड्यूस रिपोर्ट, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट देम that they will produce a report so soon. If we are perpetually detracting Election Commission of Pakistan, calling them up before the courts, how will they ever conduct the elections? This is not their job. Their job is to ensure elections. आपको किसी इन ये इदारे हमने तो नहीं बनाए हैं, आप लोगों ने बनाए इदारे ना, पार्लियामेंट ने बनाए हैं, आपकी पार्टी ने इन इदारों को बनाया है, थोड़ी सी कदर कर लें। जो जेन्युइन ग्रीवेंसेज हैं हम फॉरन अटेंड करते हैं उनको। अब बस इधर यू डोंट यूज दिस फोरम टू मेक पोलिटिकल स्पीचेस, यू हैव अदर फोरम्स। फैक्चुअली उन्होंने चीजें दी हैं, फैक्चुअली दे आर रॉन्ग, रिबट देम। पता नहीं, अब हम आपको बेसिक लॉ तो नहीं बताएंगे कि जब कोई चीज एलेज करता है वो गलत होता है तो उसका रिबटल आना चाहिए। आप कहते हैं नहीं रिबटल की जरूरत नहीं, मैंने कह दिया काफी। नहीं, नहीं, नहीं कहा रिबटल, मैं बिल्कुल देता हूँ। हम नहीं कहेंगे आपको दें, नहीं मैं देता हूँ रिबटल। जॉब एक चीज सर, दो चीजें हैं जो इन द इंटरेग्नम मैं आपसे मांग रहा हूँ। एक ये है कि ये हमें जो है ये कैंपेन करने की कम अज कम विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ हमें इजाजत होनी,
होनी चाहिए नंबर वन. नंबर टू कि हम अपने टिकट्स जो है वो सबमिट भी कर सकें बिफोर दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो भी हमें प्रिवेंट करते हैं. और फिर इन्होंने 144 लगाए हैं जी, इवन हमारे गौहर जो पिटिशनर है आपका उसके जिले में भी 144 लगा दी है. और फिर साथ ही एमपीओ के जो ऑर्डर्स हैं वो भी देखिएगा कि उनके सारों के निकाल दिए हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनके 3 MPO के. 144 अगर लगाए हैं हमें नहीं पता, हमारे पास. अब फिर मैं देता हूं आपको, फिर आप नहीं बोलने देंगे सर. बोलिए. Sorry, I will not hear this case if you continue interrupting me perpetually. Let me complete a sentence. Please. I have to beg and plead with you to let me talk. ये सर मैं तो हमा गोश्त हमा तन हूँ सर आपका. हमा तन गोश्त. हमा तन. चलिए सुनिए प्लीज आप. Yeah, ठीक है जी. If 144 has been imposed. Yes. I don't want a permission from you. Please, can you keep quiet? To you or your party or your candidates, if there is, we are not running the government now, where a 144 is imposed or not imposed, that will apply to everybody, whether it's this political party or that political party or any group of persons. So how can you say it's against you if 144 is allowed? It's against everybody then. Please respond. वो तो वैसे ही जाने लायक नहीं है अवाम में, वो तो चाहते ही नहीं है कि जाए. ये हमारे ही लिए 144 लगा है सिर्फ. और दूसरा 3 MPO हमारे ही कैंडिडेट्स के खिलाफ 3 MPO की डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले गए हैं. ये तो हमारे पास कोई चैलेंज हो जाएगा एमपीओ का ऑर्डर, हम देख लेंगे. अगर कैंडिडेट्स इतने असर रसूख रखते हैं और उनको ये नहीं पता कैसे चैलेंज करना है चीजें, जो कि हाईकोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है. पता नहीं कौन से एमपीओ के ऑर्डर हैं ना तो हमारे सामने हैं. बस आप जबानी बातें कर रहे हैं, कुछ आप हमें लिस्ट ही दे देते ये एमपीओ के ऑर्डर्स हैं, ये चैलेंज हम देख लेते किस तरीके से ने जारी किए हैं अगर आप चाहते, मगर ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन में भी नहीं आता है. चैलेंज किए हैं हाई कोर्ट्स में, हाँ भी चैलेंज कर सकते हैं. आपको गुलिस्तान में क्या होगा, शायद कोई सिंध में क्या होगा, हमें नहीं पता. आपको बताएंगे ना एमपीओ जो ऑर्डर. अब इनका ताल्लुक क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एमपीओ से ताल्लुक क्या है, मुझे ये बता दीजिए. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं जारी कर रहा है एमपीओ ऑर्डर, जो कर रहा है कम से कम उसको पार्टी तो बना दें प्लीज. अब if I may, my lord, just one sentence, you are just consuming time, you are not responding to anything. My lord, if I may just add one sentence. MPO का order कौन करता है? District returning officer कर रहे हैं. They are the deputy commissioners and they are the DROs. Challenge them if they are. ये level playing field है. आपने यही कहा ना अपने orders में कि एक level playing field दें. ये level playing field है कि हमारे candidates के MPO. आपने challenge किए हैं high courts में, MPO's order challenge हुए हैं या सिर्फ नहीं हुए हैं अभी? सिर्फ कहीं कहीं तो हुए हैं. और रोज जो इशू कर देते हैं तो किस किस को, हम तो यही काम करते रहे इलेक्शन तो फिर ना करें हम लड़े. अगर इसी तरह इन्होंने वन साइडेड करना है, इनके कैंडिडेट्स के तो एक कभी कभी एमपीओ का ऑर्डर नहीं हुआ, एक बता देंगे इनके कैंडिडेट्स. क्या मतलब? इनका मतलब ये नहीं है सरकार, मतलब दूसरे जो पार्टी. नहीं देखिए, जब लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रिसाइज होती है. अब आपने एक बात और छेड़ दी, इनके कैंडिडेट्स. क्या आप चीफ सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, किन कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं? ये तो कंस्पिरेटर, ये सारा जो है इन्होंने, दे आर ऑल. आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, JUI, जमात इस्लामी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, तो सारी आपके खिलाफ कंस्पिरेसी कर रही हैं सर. पीडीएम की गवर्नमेंट, भाई आपके साथ तो हम सवाल पूछ रहे हैं ना. पीडीएम की गवर्नमेंट तो अब नहीं है ना, नहीं. अब तो कैटेगर गवर्नमेंट चल रही है ना. जब आप ये बातें कर रहे हैं ना, आप हेडलाइंस कैप्चर करना चाह रहे हैं. दूसरी बात है इनके कैंडिडेट्स, भाई या तो इन कौन है, इनसे हमें समझ तो जाए बात को.